दोस्तों, अगर आप भी सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह को दुनिया का सबसे बेहतरीन विस्फोटक बल्लेबाज मानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना। भारत वर्सेस बांग्लादेश के बीच खेला गया आज पहला T20 मुकाबला। ये मुकाबला कोई छोटा मोटा मुकाबला नहीं, सांख रोक देने वाला काफी तूफानी रोमांचक मुकाबला था। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह ने ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा कर रख दी। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव ने ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा कर रख दी। रोहित शर्मा, विराट कोहली के भी पसीने छूट गए। सूर्य कुमार यादव के रिंकू सिंह की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखकर शायद आज आपको भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होगा। तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज विकेट कीपर ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़, जब छह खतरनाक खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज पूरी तरीके से फ्लॉप रहे तो भारतीय टीम को फैंस और कोच यहां पर गौतम गंभीर को ऐसा लगा कि भारतीय टीम अब ये पहला T20 का मुकाबला हार जाएगी और यहां पर पहले T20 के मुकाबले में 150 रन भी पूरे नहीं कर पाएगी। लेकिन सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह ने मैदान पर उतरते ही इतनी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी की कि बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान के रोंगटे खड़े हो गए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों की तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक मुकाबला आप सभी को दिखाएंगे। बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को अगर देख रहे हैं तो प्लीज शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। चैनल पर अगर आप हमारी पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना। भारत वर्सेस बांग्लादेश के बीच पहले T20 मुकाबले का जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी बांग्लादेश के कप्तान ने जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टॉस की बाजी जीतकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान बेहद ही ज्यादा खुश हुए। शायद उन्हें लगा कि टॉस की बाजी हम जीत गए हैं तो इस मुकाबले को भी बेहतरीन तरीके से जीत लेंगे और भारतीय टीम को 100-150 रनों के भीतर आउट कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए कूद पड़े। यशस्वी जायसवाल ने पहले एक ओवर में शानदार तरीके से यहां पर आप सभी को बता दें सिर्फ 2 रन बना पाए। जहां पर बेहतरीन विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल का बल्ला मैदान पर पहले ओवर में बिल्कुल नहीं चला। दूसरे ओवर की 6 गेंदों पर 4 रन सिर्फ यशस्वी जायसवाल बना पाए। भारतीय टीम के बल्लों से रन नहीं निकल रहे थे। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे। लेकिन वहीं तीसरे ओवर की 6 गेंदों पर 2 कवर ड्राइव की ओर चौके और 2 आसमानी गगनचुंबी छक्के यशस्वी जायसवाल ने गुस्से में ठोक दिए। यशस्वी जायसवाल का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चलने लगा। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल काफी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा रहे थे। यशस्वी जायसवाल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान का माथा चकरा गया। जायसवाल अब अपना कमबैक कर चुके थे और बेहतरीन विस्फोटक अंदाज में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल का बल्ला तो मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था तो वहीं चौथे ओवर की पहली बॉल पर एक गगनचुंबी छक्का शुभमन गिल ने भी ठोक दिया। चौथे ओवर की दूसरी बॉल पर एक कवर ड्राइव की ओर चौका ठोक दिया। चौथे ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर 2 रन लिए जहां पर स्ट्राइक अपने पास रखी। लेकिन दोस्तों, चौथे ओवर की पांचवी बॉल पर एक तगड़ा शॉट खेलने के चक्कर में शुभमन गिल के आउट का सामना कर बैठे। शुभमन गिल जैसे ही आउट हुए, मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए अभिषेक शर्मा ने ताबड़तोड़ अंदाज में यहां पर पांचवें ओवर की पहली बॉल पर छक्का ठोक दिया। पांचवें ओवर की दूसरी बॉल पर दौड़कर 1 रन लिया और स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल को दी। यशस्वी जायसवाल पांचवें ओवर की तीसरी बॉल पर क्लीन बोल्ड हो गए, 31 रन ठोक कर गए। जैसे यशस्वी जायसवाल आउट हुए, ऋतुराज गायकवाड़ मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए अभिषेक शर्मा का साथ देने के लिए। अब ऋतुराज गायकवाड़ और अभिषेक शर्मा ने ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। भारतीय टीम के दोनों खतरनाक विस्फोटक शेयर एक दूसरे की मदद से काफी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करने लगे। छठे ओवर की पहली बॉल पर ऋतुराज गायकवाड़ ने छक्का ठोक दिया। छठे ओवर की दूसरी बॉल पर दौड़कर 1 रन लिया और स्ट्राइक अभिषेक शर्मा को दी। अभिषेक शर्मा ने छठे ओवर की तीसरी बॉल पर एक कवर ड्राइव की ओर चौका ठोक दिया। अभिषेक शर्मा ने यहां पर पांचवें ओवर में स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल के दोस्त यहां पर ऋतुराज गायकवाड़ को दी। ऋतुराज गायकवाड़ छठे ओवर की छठी बॉल पर कैच आउट का सामना कर बैठे। जैसे ही ऋतुराज गायकवाड़ आउट हुए, मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज ऋषभ पंत। जी हां दोस्तों, काफी तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज ऋषभ पंत का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चलने लगा। ऋषभ पंत काफी बेहतरीन विस्फोटक अंदाज में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने लगे। ऋषभ पंत ने पहली बॉल पर छक्का ठोक दिया। सातवें ओवर की दूसरी बॉल पर फिर छक्का ठोक दिया। सातवें ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर 1 रन लिया। यहां पर सातवें ओवर की चौथी बॉल पर स्ट्राइक यहां पर अभिषेक शर्मा को दी। अभिषेक शर्मा कैच आउट का सामना कर बैठे। जैसे ही अभिषेक शर्मा आउट हुए, मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए हार्दिक पांड्या आए। यहां दोस्तों, हार्दिक पांड्या मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चलने लगा। हालांकि भारतीय टीम के 4 विस्फोटक बल्लेबाज जब पूरी तरीके से फ्लॉप रहे, अभिषेक शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल, तो भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा। 8वें ओवर की पहली बॉल पर गगनचुंबी छक्का विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने ठोक दिया। 8वें ओवर की
तीसरी बॉल पर एक गगनचुंबी छक्का हार्दिक पांड्या ने ठोक दिया। आठवें ओवर की चौथी बॉल पर विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत कैच आउट का सामना कर बैठे। यहां पर पांचवा विकेट आठवें ओवर में भारतीय टीम का फिर गिर गया। यहां पर भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज गेंदबाज काफी ज्यादा परेशान थे। एक पल के लिए ऐसा लगा कि पहले T20 के मुकाबले में भारतीय टीम 150 रन भी पूरे नहीं कर पाएगी और भारतीय टीम को पहला T20 का मुकाबले में हार का सामना करना पड़ जाएगा। लेकिन दोस्तों मैदान पर हार्दिक पांड्या का साथ देने के लिए फिर एक तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज आया जिसने बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसने बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को इस कदर धोया कि वो सातवें जन्म तक नहीं भूल पाएंगे। जी हां दोस्तों, हम बात करने वाले हैं तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव की। सूर्य वो आंधी है, वो तूफान है, वो चट्टान है, वो जलजला है, जिसने मैदान पर कदम रखते ही ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की सारी हेगड़ी निकाल कर रख दी। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज, आप सभी को बता दें यहां पर ताबड़तोड़ बल्लेबाज हार्दिक पांड्या का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चलने लगा। सूर्य कुमार यादव ने 9वें ओवर की 6 गेंदों पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, बल्कि लगातार 6 गेंदों पर गगन चुंबती 6 छक्के ठोक दिए। सूर्य कुमार यादव ने बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा कर रख दी। सूर्य कुमार यादव का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। सूर्य कुमार यादव की ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान के रोंगटे खड़े हो गए। सूर्य कुमार यादव को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज यहां पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज। आप सभी को बता दें सूर्य कुमार यादव की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के कुछ गेंदबाज ऐसे थे जो सूर्य का बल्ला चेक करने के लिए बार बार आ रहे थे कि सूर्य के बल्ले में ऐसा क्या है जो बॉल छूते ही सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर जाती है। तो वहीं तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या यहां पर 10वें ओवर की पहली बॉल पर कैच आउट का सामना कर बैठे। अब हार्दिक पांड्या जैसे ही आउट हुए छठा ओवर, जब यहां पर छठा विकेट भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा जब छठा विकेट हार्दिक पांड्या का गिरा, क्योंकि हार्दिक पांड्या काफी बेहतरीन विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। हार्दिक पांड्या के आउट होने के बाद सूर्य कुमार यादव को काफी ज्यादा गुस्सा आया और सूर्य का साथ देने के लिए मैदान पर तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज आया जिसका नाम था रिंकू सिंह, जो महेंद्र सिंह धोनी के नाम से जाना जाता है, जो काफी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज है जो मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करता है। दोस्तों भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज, आप सभी को बता दें यहां पर हार्दिक पांड्या के आउट होने के बाद रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव ने तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। 11वें ओवर की बची 4 गेंदों पर लगातार गगनचुंबी 4 छक्के रिंकू सिंह ने ठोक दिए। रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव की ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान के रोंगटे खड़े हो गए। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे कि आखिरकार भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव को आउट करें तो करें कैसे। सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह एक दूसरे की मदद से काफी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे कि आखिरकार भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों को क्या हो गया है जो इतनी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे हैं। दोस्तों सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह ने ताबड़तोड़ तरीके से मैदान पर कोहराम मचाना शुरू कर दिया। 12वें ओवर की 6 गेंदों पर रिंकू सिंह ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, बल्कि लगातार 6 गेंदों पर गगनचुंबी 6 छक्के ठोक दिए और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की सारी हेकड़ी निकाल के रख दी। दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने 13वें ओवर की 6 गेंदों पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि लगातार 4 छक्के और 2 चौके ठोक दिए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चला। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों ने मैदान पर कोहराम मचा रखा था। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह खड़े होकर के देख रहे थे और उनके भी पसीने छूट गए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज, आप सभी को बता दें, रोहित शर्मा, विराट कोहली ने खड़े होकर के सूर्य कुमार यादव को सलाम ठोका। जब सूर्य कुमार यादव ने 14वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 4 छक्के और 2 चौके फिर ठोक दिए, भारतीय टीम के दोनों खतरनाक हुंकार सेट विस्फोटक बल्लेबाज एक दूसरे की मदद से काफी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों को आउट करें तो करें कैसे। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से काफी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। दोस्तों रिंकू सिंह ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में 15वें ओवर की पहली बॉल पर छक्का ठोक दिया, 15वें ओवर की दूसरी बॉल पर चौका ठोक दिया, 15वें ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर एक रन लिया। यहां पर स्ट्राइक तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को दी। सूर्य ने 15वें ओवर की चौथी बॉल पर छक्का ठोक दिया, 15वें ओवर की पांचवीं बॉल पर फिर एक चौका ठोक दिया और 15वें ओवर की छठी बॉल पर फिर एक छक्का ठोक दिया। तो वहीं 16वें ओवर की पहली बॉल पर गगनचुंबी छक्का रिंकू सिंह ने ठोक दिया, 16वें ओवर की दूसरी बॉल पर गगनचुंबी छक्का फिर रिंकू सिंह ने ठोक दिया, 16वें ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर एक रन लिया और स्ट्राइक सूर्य को दे दी। सूर्य ने 16वें ओवर की बची 3 गेंदों पर लगातार 3 छक्के ठोक दिए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से काफी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे कि आखिरकार भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों को क्या हो गया है जो इतनी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे हैं। बांग्लादेश के कुछ गेंदबाज ऐसे थे जो सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह के आगे बॉल फेंकने से ही मना कर रहे थे कि आखिरकार इनकी इतनी तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी है, जिसको देखकर के बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान यहां पर काफी
काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे। बांग्लादेश का जो भी गेंदबाज आ रहा था वो भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजों के आगे पानी भरता हुआ नजर आ रहा था। दोस्तों यहाँ पर 17वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 3 छक्के 3 चौके रिंकू सिंह ने फिर ठोक दिए। 18वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं बल्कि लगातार 6 गेंदों पर गगन चुंबती 6 छक्के सूर्य कुमार यादव ने ठोक दिए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेयरों ने मैदान पर कोहराम मचा दिया। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यहां पर सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान कांप उठे। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेयर आप सभी को बता दें, सूर्य कुमार यादव ने 19वें ओवर की 6 गेंदों पर 4 छक्के 2 चौके फिर ठोक दिए। 20वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार गगन चुंबती 5 छक्के और 1 चौका रिंकू सिंह ने ठोक दिया। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेयरों ने तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की सारी हेकड़ी निकाल कर दी। हमारी भारतीय टीम जब श्रीलंका से 3 ओडीआई मुकाबले हारी थी तो बांग्लादेश की टीम काफी ज्यादा कूद रही थी, फुदक रही थी, लेकिन शायद उन्हें नहीं पता था कि भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक शेयर इतनी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हैं और किसी का भी घमंड चकना चूर कर सकते हैं। जब बांग्लादेश की टीम भारतीय टीम के रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरी और जब मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो काफी ज्यादा बौखलाई हुई थी। भारतीय टीम को हराने के लिए चली थी और यही कह रही थी बार बार कि हम भारतीय टीम को हरा देंगे पहला टी20 का मुकाबला। मैदान पर बांग्लादेश के 2 बल्लेबाज मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए कूद पड़े। पहला ओवर लेकर गए भारतीय टीम की तरफ से कुकार विस्फोटक गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने 4 रन दिए। दूसरा ओवर लेकर गए कुलदीप यादव जहां पर 6 रन दिए। तीसरा ओवर लेकर गए रवि बिश्नोई जहां पर 7 रन दिए और चौथा ओवर लेकर गए जसप्रीत बुमराह जहां पर 1 विकेट चटका दिया। 5वें ओवर की 4थी पर कुलदीप यादव ने 1 विकेट चटका दिया। रवि बिश्नोई ने 6ठे ओवर की 3री बॉल पर 1 विकेट चटका दिया। धीरे धीरे 8वें ओवर तक जाते भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेयरों ने यहां पर 8वें ओवर तक जाते थे 4 विस्फोटक बल्लेबाजों को ढेर कर दिया जो काफी ज्यादा कूद रहे थे फुदक रहे थे। लेकिन दोस्तों बांग्लादेश के 2 बल्लेबाज ऐसे आए जो काफी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे जो छक्के पर छक्के चौके पर चौके ठोकने लगे क्योंकि रवि बिश्नोई के 9वें ओवर की 6 गेंदों पर 3 छक्के 3 चौके ठोक दिए। यहां पर आप सभी को बता दें 10वें ओवर की 6 गेंदों पर 4 छक्के 2 चौके ठोक दिए जो काफी ज्यादा उछल रहे थे कूद रहे थे। लेकिन फिर मोहम्मद सिराज ने 12वें ओवर की 4थी बॉल पर 1 विकेट लिया। 13वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 विकेट जसप्रीत बुमराह ने चटका दिए जहां पर 3 बल्लेबाजों को और पूरी तरीके से ढेर कर दिया। लेकिन 2 खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज ऐसे आए थे जो मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और छक्के पर छक्के चौके पर चौके ठोक रहे थे। 15वें ओवर की 6 गेंदों पर 3 छक्के 3 चौके ठोक दिए। 16वें ओवर की 6 गेंदों पर 4 छक्के 2 चौके ठोक दिए जिनका बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। लेकिन भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज कुलदीप यादव और यहां पर मोहम्मद सिराज जसप्रीत बुमराह की तूफानी विस्फोटक गेंदबाजी ने कमाल कर दिया। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक गेंदबाजों ने 19वें ओवर तक जाते आते पूरी की पूरी बांग्लादेश की टीम को ढेर कर दिया और उनको उनकी औकात याद दिला दी। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेयरों ने पहला टी20 का वार्म अप मुकाबला 107 रनों से जीत लिया। दोस्तों भारत वर्सेज बांग्लादेश के बीच क्या वार्म अप मुकाबला था, रियल मुकाबला आगे चलकर क्यों होगा, ईश्वर से दुआ कामना बना रखे। हमारी भारतीय टीम चाहे बांग्लादेश से खेले, चाहे ऑस्ट्रेलिया से खेले, चाहे इंग्लैंड से खेले, चाहे साउथ अफ्रीका से खेले, भारतीय टीम की जीत हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।